खुदा की प्रेजेंस में और जीवित वचनों में आप सबका स्वागत है, स्वागत है। मैं कह रहा हूं खुदा की हजूरी में उसके वचन में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, पूरी चर्च हालेलुया बोले, हालेलुया बोले पूरी चर्च, अपने जोर से पूरे पूरे जोर से हालेलुया, पूरे जोर से हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हालेलुया, कितने जन आनंदित है, दोनों हाथों को हिलाओ। दोनों दोनों हाथों को पीछे तक, अंदर बाहर जितने भी हैं सब हाथ हिलाओ। मैं खुश हूं आज प्रभु की हुजूरी को देखकर। तारीफ करो जोर से। अपनी बाइबल को ले लो, अपने सर से ऊपर लेकर जाओ, बोलो प्रभु इस वचन से मैं प्यार करता हूं। बोलो बोलो बोलो, अपनी बाइबल को ले, मैं इस बाइबल से प्यार करता हूं, तेरे जीवित वचन जो मुझे जीवन देते हैं वो इसमें लिखे गए हैं, मैं आज समझूं और उसके मुताबिक चल सकूं। सामर्थ्य परमेश्वर मुझे अपने वचन की समझ दे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अपने वचन की समझ दे, मैं इसे समझ कर दूसरों को भी समझा सकूं, जैसे मैं बचाऊं दूसरे भी बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को घर में कौन पढ़ता है? उठाओ अपनी बाइबल को साथ, जो घर में बाइबल पढ़ता है। ऊपर ऊपर जाना है आपने थोड़ा। हालेलुया, जो यहाँ पे वचन होता है कौन लिखता है, लिखकर कौन लेकर जाता है, लिखकर कौन लेकर जाता है, क्योंकि सीरीज चल रही है, उसका तीसरा भाग है, दो भाग हो चुके, ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने बहुत सी चीजें सीखी है, पहले भाग में हमने क्या सीखा, मसीह जीवन को, मसीह जीवन की शुरुआत कैसे करें, इसको फलवंत कैसे करें। उसके बाद दूसरे भाग में हमने सीखा मसीह जीवन को मजबूत कैसे करें, कैसे रखें। हालेलुया, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं मसीह जीवन में जो आदतें, वो हमको कहां तक लेकर जा सकती है। अगर उन आदतों पे काम ना हो तो हम अड़े खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया, आज मैं आदत आपकी आदतों के ऊपर काम करने वाला हूं जो आपको प्रभु से दूर लेकर जा रही है। हालेलुया, जो आपकी प्रेयर लाइफ डाउन कर रही है, आपकी प्रेयर लाइफ खत्म कर रही है, आपके पवित्र जीवन को खत्म कर रही है, जो आदते मसीह के ऊपर भरोसा ना करने दे रही है, वो आदते आपको कहां तक लेकर जा सकती है। जिनकी आदते अच्छी हैं, उनकी आशय और रिजल्ट अच्छे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी आदतें बुरी हैं, उनका अंत भी बुरा है। एक वचन को पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरंथिया 15 अध्याय उसके 33 वचन। तोखा ना खाओ, तोखा ना खाओ,
ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। फिर उसी लाइन में हम आते हैं। पहला पॉइंट दूसरे भाग का भी, पहले भाग का भी और तीसरे भाग का भी आपकी संगत के ऊपर बहुत डिपेंड है, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी वैसे आपकी आदत होगी। आपकी एक एक संगत मसीह भाई के साथ है या मसीह बहन के साथ है, वो रोजाना 3 घंटे प्रार्थना करती है, उसकी आदत आप खींच लोगे और आपकी भी 3 घंटे प्रेयर होगी। अगर उस बहन का बोलचाल सही है मसीह में होते हुए, आपका ही बोलचाल सही हो जाएगा, आपकी आदत आ जाएगा। संगत पे पार्ट डिपेंड करता है, संगति पे पार्ट डिपेंड करता है। हालेलुया। आपको पता बाइबल क्यों आपको थमाई गई है? पुराना नेम क्यों थमाया गया? नवा नेम क्यों थमाया गया? क्यों कहते हम पढ़ो? जब आप पढ़ते हैं आपकी सूरत आपको दिखाई देती है। हालेलुया। जीसस का हार्ट आपको दिखाई देता है, परमेश्वर का दिल आप जान सकते हो। हालेलुया। नबी नबियां जो परमेश्वर के दास दासियां कहां से गिरे, कहां से ऊंचे हुए, उनकी आदतें थी। कुछ आदत की वजह से स्वर्ग में आज, कुछ आदत की वजह से नरक में है आज। हालेलुया। डैनियल की आदत थी तीन बार दिन में 3 बार प्रेयर करना, इसलिए जब मुसीबत आती है वो अपनी आदत को नहीं भूलता, इसलिए वो जाता है 3 टाइम अपनी मौत को भी देखकर, शेर को भी आगे, भूखे शेरों को भी आगे देखकर डैनियल प्रार्थना के लिए जाता है। उसकी आदत थी, जिसकी आदत बन चुकी है कि मैंने प्रेयर करनी है, कुछ भी हो जाए मैंने प्रेयर देनी है परमेश्वर को, मैंने थैंक्स गिविंग देनी है परमेश्वर को। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी भूकंप आ जाए, लेकिन वो बंदा आदतों मजबूर है। इसलिए जो बंदा आदतों मजबूर है वो बंदा प्रार्थना करने से रह नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए शेर भी, भूखे शेर भी मुंह नहीं खोल पाए डैनियल के सामने, उसकी आदत ने उसको बचाया। अगर वो अपनी मुसीबत देखकर, अपनी मौत को देखकर उस दिन प्रेयर बंद कर लेता, जैसे वो 3 टाइम पहले करता था, बाइबल बताती है जिस दिन उसको पता चला कि मुझे शेरों की मान में डाला जाना है, उसी दिन जैसे वो पहले प्रार्थना करता था वैसे उस दिन की शेरों ने मुंह तक नहीं खोला। हमें आदत है मुसीबत, बाइबल क्या कहती है, कहे तो मैं प्रार्थना करो, खुश हो तो गीत गाओ, हाँ या ना, दुखी हो तो क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन हम उल्ट चलते हैं, हमारी आदतें जब दुख आता है जीरो प्रेयर पूरे फैमिली की, हमारी खुद की जीरो प्रेयर। वो जो आता है फिर हल्ला करके जाता है, हमें टैश टैश करके जाता है, हमें बर्बाद करके जाता है, क्योंकि दुख के टाइम तो हमारी बोलती बंद हो गई, दुख के टाइम तो हमारा विश्वास जाता रहा, दुख के टाइम हम दूसरे पर निर्भर हो गए, दूसरा करे हम ना करें। ये आपकी आदत है जो आपको दुख में लेकर जा रही है। डैनियल ने किसी को नहीं, उसको पता था जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे उत्तम आत्मा दिया है, आज शेरों के मुंह बंद करेगा, आज वो छुड़ाए ना छुड़ाए मैं जाऊंगा। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छी आदतें अच्छा रिजल्ट, बुरी आदतें बुरा रिजल्ट। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एस्तर ने उसी दिन रोजे रखे थे कि पहले भी रखती थी? मुसीबत आने पर रखे कि पहले भी रखती थी? उसकी आदत थी, इसलिए वो स्पिरिचुअल कहलाई, इसलिए वो औरतों में उत्तम कहलाई। इसलिए जब अच्छी औरतों की बात आती है, एस्तर का नाम आता है, उस लड़की का नाम आता है
जिसने अपनी मम्मी पापा गुजरने के बाद भी चाचा ने जवान किया, चाचा ने पाला, उसने पूरी आदत नहीं छोड़ी कि मम्मा पापा कौन से सर के ऊपर है, वो तो मर गए, मुझे अकेली को छोड़ गए, मैं तो अनाथ हूं, चाचा क्या मुझे कर लेगा। वो कह रहा घर में रहता है, चलो पूरी आदत डाल दे। अगर उसकी पूरी आदत होती तो वो लाइफ में रानी ना बनती और अपने लोगों को ना छुड़ाती, अपने लोगों का उधार ना बनती, अपने लोगों का रास्ता ना बनती। अगर वो अपने आप को स्पिरिचुअल ना रखती, अगर वो अपनी आदतों पे काम ना करती, उसको रोजे रखने की आदत थी, उसको पता था रोजा प्रार्थना में जाऊंगी, डे नाइट जाऊंगी, अपनी सहेलियों को, उनकी सहेलियां देखो, कहती मैं अपनी सहेलियों को, अपनी दोस्तों को भी कहूंगी मेरे साथ फास्टिंग रखो। उसने अपने लोगों को भी बोला फास्टिंग रखो, क्योंकि मैं राजे के सामने जा रही हूं तुम्हारी फरियाद लेकर। हालेलुया, ये जंगी आदत थी, इसलिए यहूदा की कौम सारी बचाई गई एस्तर के द्वारा, एक अच्छी आदत के द्वारा पूरी कौम बचाई गई यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में, जो एकदम खत्म होने वाली थी उसकी अच्छी आदत ने उसको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू अब चट्टान के पास जाएगा, पहाड़ के पास जाएगा और उससे बातें करेगा, क्या मूसा को पहली बार गुस्सा आया था? वो शुरू से ही गुस्से वाला बंदा था। जब उसके हाथ से कत्ल हुआ, गुस्से के साथ हुआ, और वो ही आदत एंड में जाके, वो ही आदत गुस्से में आकर चट्टान से बातें करनी थी और गुस्से में आकर उसने सोटी लगा दी, और परमेश्वर ने कहा तू वायदे की धरती पे नहीं जाएगा। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? तू वायदे की स्थान पे नहीं जाएगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। तू दूर से देखेगा लेकिन तू उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आदत ने उसकी उस आशीष को छीन लिया, उस बरकत को छीन लिया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारी आदत हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है, हमारे झूठ बोलने की आदत स्वर्ग जाने से रोक सकती है। पतरस के पास दो पति और पत्नी आते हैं, झूठ पवित्र आत्मा के सामने झूठ, नैनिया और सपीरा आते हैं कि बोलते इतने को बिका खेत, कहते इतने को बिका खेत। पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलने वाली आदत उसको मौत दे गई। जो झूठ बोलते हैं वो शैतान से, आप सुन लो ध्यान ध्यान। हालेलुया, चोरी की आदत गले में रस्सा पहना दी। युद्ध ज्योति चंदा पहली बार नहीं चढ़ाया था, वो गुथली से निकालता रहता था, वो ऑफरिंग बॉक्स से निकालता रहता था। उसकी आदत एक दिन लालच बन गई, पैसे का लालच। पहले थोड़ा निकलता था, अब पता चला ये काम करने से हजारों लाखों मिल सकते हैं। झूठ बोलने से, एक सच्चाई का ना साथ देने से हजारों लाखों मिल सकते हैं। इसलिए वो यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए चला गया। उसकी वो ही आदत उसके गले में रस्सा डाल दिया। अपनी आदतों पे काम करो। झूठ बोलने वाला आत्मा, चोरी करने वाला आत्मा, व्यभिचार करने वाला आत्मा, कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? सैमसन को पाखू का मसा दिया गया था, अनाउंस किया गया था, जिस बंदे ने हजारों प्रॉब्लम, हजार प्रॉब्लम थी एक दिन उसके पास, एक हड्डी से हल की उसने, इतनी सामर्थ्य वाला बंदा था।
हजारों बंदे, हजार बंदा, यहाँ पे हजार नहीं है हाँ, लेकिन हजार बंदा सैमसन को मारने के लिए आया है। उसी सामर्थ्य की वजह से उसने हड्डी ली, हजार बंदे को खत्म कर दिया प्रभु की सामर्थ्य से और अपने लोगों को छुड़ाया। हालेलुया। उसकी आदत क्या थी? लड़कियों को देखो, इसलिए तीन ही चैप्टर लिखे। उसको किताबें लिखनी चाहिए थी, पूरी बाइबल लिखनी चाहिए थी, बाइबल के हिस्से होने चाहिए थे, क्योंकि दूतों ने अगुवाई की थी। ऐसा बच्चा होगा, उसके बाल नहीं कटवाने, उसको नशे वाली चीज नहीं देनी, वो सामर्थ्य होगा, अपने लोगों का उद्धार करेगा, दूतों ने। हालेलुया। लेकिन उसकी आदत थी, उसकी मम्मा ने बंद किया, नहीं यार हमारे हमारी यादियों में लड़कियां नहीं है। कहती मम्मा नहीं नहीं, तेनू की पता प्यार की हुंदा है, हाँ तेनू की पता मम्मी प्यार की हुंदा है। मां ने डांटिया कि साडी जातियां में जो लड़की नहीं है, पर उसकी आदत थी लड़कियों को देखना। हालेलुया। पहले चैप्टर जितने चैप्टर देख लो, सैमसन को आप लड़की के साथ ही देखो, एंड में आंखें निकाल दीजिए, सामर्थ्य आती रही। जो हजार बंदा हजार हजार बंदा मारने वाला था एक ही जन, वो आम बंदे से थप्पड़ खा रहा, आम बंदे से बेइज्जती करवा रहा। आपने अपनी बेइज्जती करने की अनुमति लोगों को खुद दी। किसकी हिम्मत नहीं है आपकी और उंगल भी कर जाए, आपका बाल भी बांका कर जाए, अगर परमेश्वर आपके संग है।